IMTV सच साहस सरोकार। पीएम मोदी ने वैश्विक एजेंडे को दिया आकार, साझेदार देशों के साथ संबंध हुए मजबूत। सचिन पायलट ने भाजपा पर कसा तंज, बोले उत्तर भारत में बीजेपी अपराज्य है, यह मिथक अब टूट गया। गुजरात में बीजेपी की जीत पर उद्धव ठाकरे का बयान, कहा महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट गुजरात शिफ्ट कर दिए गए। अगले महीने पाकिस्तान लौटेंगे नवाज शरीफ, इलाज के लिए 4 हफ्ते की परमिशन लेकर गए थे लंदन। और अया में डीएम पीसी श्रीवास्तव ने की समीक्षा बैठक, विकास योजनाओं को लेकर हुई बैठक। नमस्कार, देख रहे हैं आप प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में 330 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। इनमें खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए बनाया गया द स्पोर्ट हब भी शामिल है। इस सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। स्पोर्ट्स हब में 22 तरीके के खेलों का प्रशिक्षण जाएगा। इसमें हर साल 1000 खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 388 करोड़ के 272 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें से 213.47 करोड़ के 122 कामों का शिलान्यास और 174.12 करोड़ के 150 विकास कार्यों का लोकार्पण होना है। औरैया के डीएम पीसी श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। डीएम ने अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी पीसी श्रीवास्तव ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका नगर पंचायत को कैटल कैचर खरीदने के लिए प्रस्ताव तैयार कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने सड़कों पर जाम की स्थिति से निपटने के लिए दुकान के बाहर व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं। विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य जनपदीय अधिकारी मौजूद रहे। फरुखाबाद में करड़ी सेना ने सपा नेता और पूर्व उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह उर्फ जग्गू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। करड़ी सेना ने आरोप लगाया है कि सपा नेता ने करड़ी सेना के कार्यकर्ता के भाई को घर बुलाकर पीटा है और क्षत्रिय समाज को संबोधित कर अपमानजनक बातें कही हैं। करड़ी सेना के जिलाध्यक्ष मंथन ठाकुर पदाधिकारियों के साथ कोतवाली पहुंचे और सपा नेता की शिकायत की। उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो करड़ी सेना कोतवाली के बाहर प्रदर्शन करेगी। मामला ये है कि विगत 5 दिसंबर को ये घटना हुई कि राहुल परमार जो कि करणी सेना कार्यकर्ता, उनके छोटे भाई के संग जग्गू यादव जो कि सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और उनकी जो मामले पुराने भी पूर्व में बड़े आपराधिक रह चुके हैं, उनने जो करणी सेना कार्यकर्ता राहुल परमार जी उनके भाई को बंधक बना दिया और मारापीटी की और उसके बाद मारापीटी का गाली गलौज बहुत की और क्षत्रिय समाज के लिए भी और क्षत्रिय समाज के कुछ जो प्रतिनिधि हैं सलाहकार है उनके लिए भी बहुत गाली गलौज की, अभद्र भाषा प्रयोग किया जिसकी वीडियो वायरल हो रही थी। आज जबकि पता लगा तो हम लोग ने थाना कोतवाली में तहरीर भी दी है इसके लिए, जिसमें राहुल परमार जी ये हैं, इनके छोटे भाई का मामला। गोंडा मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर ब्लॉक इठिया थोक के अंतर्गत कुकेरा गांव तकरीबन 4000 लोगों की एक बस्ती है। इस गांव में जाने के लिए आपको 2 किलोमीटर पैदल यात्रा करके जाना पड़ेगा। बता दें ऐसा इसलिए क्योंकि 10 वर्ष पहले खड़ंजा की सड़क बनाई गई, जो आज सड़क 2 फीट गड्ढे में तब्दील हो गई है। एक तरफ सरकार गांवों को शहर व नगर से जोड़ने के लिए तमाम योजनाएं बनाकर ऐसे गांव के विकास के लिए पैसा बहा रही है, वहीं इस गांव की तरफ किसी ने आज तक सड़क निर्माण को लेकर जिला प्रशासन झांकने की जहमत नहीं उठा रहा है। 27 नंबर को जोड़ता है ये रोड, इस रोड पे हम खड़े हैं। ये सिंगल रोड है, खड़ंजा निर्माण है,
इस गांव के लिए यही एकमात्र रास्ता है। अब ये लोग किस तरीके से जीवन यापन करते हैं तो यही गांव वाले जाने। अच्छा ये बताइए, अगर ऐसे में रात बिरात कोई इमरजेंसी कोई घटना घट जाए, ऐसे में अगर अस्पताल जाना हो, ले जाना हो या एम्बुलेंस को बुलाना हो, तो क्या एम्बुलेंस रात बिरात यहाँ आती है? जाने पूछेगी ऐसे दिक्कतें तो हर रोज। अभी एक औरत जा रही थी, वो गिर गई, उसके थोड़े पैर में फ्रैक्चर हो गए। इसी तरह से काफ़ी गड्ढे और सड़क के आपको नजर आ जाएंगे अगर आप देखेंगे बराबर। तो हम स्थानीय प्रशासन से, यहाँ के विधायक से और लोकसभा सांसद से, जो कृतिवर्धन जी राजा भैया हैं, उनसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इस गाँव की तरफ ध्यान दें और इस गाँव के विकास में यहाँ के प्रधान से सहकार्य करके मदद करें। और विधायक से भी हमारा उम्मीद है और सांसद जी से भी हमारा गुजारिश है कि इस पर ध्यान दिया जाए और ये काम को वो किया जाए। तो कितने साल से दिक्कत है ये? कम से कम 10 साल से दिक्कत है। अच्छा ये कितने आबादी वाला ये गांव है? ये करीबन 3,500-4,000 आबादी है गांव का सर। कैसे कैसे असुविधाएं होती हैं आप लोगों को इस रोड के ना उस? ये रोड 10 साल से तो कुछ भी नहीं मिला है, उसके बाद में भी अगर कुछ तकलीफ बारिश वारिश में तो इतनी तकलीफ रहता है आने जाने का सबको। अगर कभी कोई मोट मट्टी हो जाए, कोई हॉस्पिटल ले जाना है तो सीधा 1 किलोमीटर 27 नंबर को ले। प्रयागराज में आगामी निकाय चुनाव में किन्नर समाज नगर निगम में चुनाव में भी जोर आजमाइश करने जा रहा है। बता दें कि महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां ने नगर निगम प्रयागराज के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें भरोसा है कि लोग उन्हें सहानुभूति नहीं, उन्हें अब तक कार्यों पर वोट देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग बचपन से ही अपना पैतृक घर त्याग कर गुरु के साथ रहते हैं और समाज के साथ रहते हैं तो समाज ही हमारे लिए परिवार हो जाता है। तो हम लोग समाज के लिए काम करना चाहते हैं, समाज के विकास के लिए काम करना चाहते हैं और मुख्य धारा में आकर समाज की उन्नति के लिए काम करना चाहते हैं। समाज एक बदलाव देखना चाहता है तो समाज में बदलाव लाने के लिए हम लोग किन्नर समाज निरंतर लगे हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि इस समाज में हम लोग रहते हैं तो हम लोग बचपन से ही अपने पैतृक जो घर है उसको त्याग के गुरु के साथ रहते हैं और समाज के साथ रहते हैं तो समाज ही हमारे लिए परिवार हो जाता है। तो हम लोग समाज के लिए काम करना चाहते हैं, समाज के विकास के लिए काम करना चाहते हैं और मुख्य धारा में आके समाज के उन्नति के लिए काम करना चाहते हैं। और मैंने भी अपने दावेदारी दी हूँ मेयर के लिए प्रयागराज के, और 2014 में नालसा जजमेंट पारित हुआ और नालसा जजमेंट ने हम लोग को OBC में रखा है। खबर गाजीपुर से है जहां मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव की जीत पर सपाइयों में खासा उत्साह दिखाई दिया। मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव की जीत से उत्साहित सपाइयों ने पटाखे फोड़कर खुशी जताई। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। मैनपुरी, खतौली और रामपुर, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ के विधायक जी लोग आदरणीय विजेंद्र यादव जी वहाँ पे वो प्रचार के लिए नामित किए गए थे। जयकिशन साहू जी हमारे जो विधायक है सदर के, उनको भी नामित किया गया था। इन्होंने लगातार 10 दिन रहकर कड़ी मेहनत किया और मैनपुरी में ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी दर्ज करने का काम की है। खतौली में भी आपने देखा कि RLD के प्रत्याशी जो हमारे संयुक्त प्रत्याशी थे उसको जिताने का भी काम किया और इसी के एवज में हम लोग यहाँ आज खुशी मना रहे हैं। पूरी की जनता ने आदरणीय नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है और बड़े भारी अंतर से वहाँ की जनता ने जीत दिलाया है। हम लोग लगातार मैनपुरी में लगातार रहे, वहाँ के हर जाति धर्म के लोगों ने नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में वोट देने का काम किया है और अखिलेश यादव को एक बड़ी ताकत देने का काम किया है। तो मैं अपने तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से वहाँ की महान जनता को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिलहाल उत्तर प्रदेश में खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।